नमस्कार किसान भाइयों, हमारे साथ एक कॉलेज का युवक है जो कि अपनी खेती देखते हुए कॉलेज भी कर रहा है और 32 गाय पाल रहा है और इससे अच्छे कमाई भी कर रहा है। तो दोस्तों, इन्होंने जब कोरोना काल शुरू हुआ था उसी टाइम पे 2 गाय से शुरुआत की थी। अभी इनके शेड पे 30+ गाय है और इनसे ये हर महीने 2 लाख कमाता है। तो चलिए जानते हैं इस युवक की कहानी, कैसे शुरुआत की और ये अभी कैसा ये पशुपालन कर रहा है। नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रथमेश तुकाराम बागल है, गादे गाँव और आपला तालुका का पंढरपुर डिस्ट्रिक्ट सोलापुर। ठीक है, तो आपने गाय पालन की शुरुआत कब की थी? 2019 में जब लॉकडाउन पड़ा कोरोना के कारण, तब स्कूल बंद हो गए। मग आपन जो खाली बैठ रहे थे तब गाय पालन का व्यवसाय शुरू कर गया। आपको हमको खेती भी है, दो एकड़ खेती है। उसमें अपने 2 गायों का और अपना चलता था। फिर कैसे बढ़ाई इतने गाय? फिर लॉकडाउन बंद नहीं हुआ तो स्कूल तो पूरा बंद हो गया। इसके बीच वजह से अपने हाई अपना मुझे गाय ज्यादा गाय पालने का निर्णय हो गया। ओके, कितनी गाय ली थी तब आपने? तब 2 थे, जैसे आप हमको लगा अब संभाल सकते हैं वैसे बढ़ते गए। 10 से 20, 20 से 30, आज 32 है गया हो गई है। तो इन 32 गायों के लिए चारा कितना अभी लगता है हर दिन का? हर दिन का 1 टन, 1 टन तक लगता है? 1 टन तक लगता है। आपको खेती कितने है? 2 एकड़। 2 एकड़, उसमें 2 एकड़ में क्या चारा पर्याप्त है क्या इसमें को? उसमें इतना नहीं है, आपको हमको बाहर आसपास से लाते हैं। हाँ। ओके, तो कितना वो कैसा रेट में मिलता है? अपन मुझे मक्का का जैसा रेट है उसमें 1.5 रुपया केजी तक मिलता है। हाँ, 1.5 रुपया केजी। ओके, ठीक है। तो आपका शेड का दिन का शेड्यूल कैसा रहता है? कितने बजे इनको चारा देते हो सुबह? सुबह हम 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठने के बाद साफ सफाई करके 5 बजे तक मिल्क मुझे दूध निकालते हैं। ओके, फिर वो चारा खाते आप हम मिल्क निकाल देते हैं, फिर चारा डालते हैं। नहीं, वो खाते समय ना आगे उनको चारा देना और पीछे अपन दूध निकालना। हाँ, मग वो 6 बजे तक हो जाता है, फिर 4 से 6 बजे तक गाय मुझे बंद के होते है। यहाँ पे शेड में होती है? हाँ, यहाँ शेड पे होती है। फिर 6 बजने के बाद मग खुले में छोड़ने का। ओके, फिर मग 6 बजे के बाद मग अपन आसपास की जो चारा आपने लिया है वो लेके आते हैं। फिर मग 4 बजे तक फिर फ्री है? 4 बजे तक फ्री। हाँ, यानी सुबह सुबह कितने बजे चारा देते हैं उनको? सुबह सुबह 4:30 से 5 बजे। हाँ, फिर दोपहर का कितने बजे? उतने टाइम वही सुबह मुझे शाम के 4:30 से 5 बजे। यानी 2 टाइम ही चारा देते हैं? हाँ, 2 टाइम ही चारा। एक गाय को कितना चारा देते हैं? 18-20 किलो। 18-20 किलो एक टाइम पे? एक टाइम, 2 टाइम का 20-20 और 40 किलो। 40 किलो। हाँ, तो उनको जो खली या क्या बोलते हैं पेंड में क्या क्या देते हैं और कितना एक गाय को देते हैं? एक गाय को 2 किलो पेंड। ओके, है ना, आपला जी मक्का तो मुझे मक्का। हाँ, वो एक 2 किलो मक्के के दाने, 2 किलो और पेंड 2 किलो। 2 किलो यानी कि 4 किलो हर एक गाय? एक गाय पर गाय 4 किलो। हर एक गाय अपने शेड पे कितना दूध देती है? अपने शेड पे सरासरी म्हणजे म्हणलं तर काय 16-17 लिटर पर्यंत आपली 16-17 लिटर तक हर एक गाय देते आपली। रेट कितना मिळ रहा है गाय के दूध को? अभी अपने फॅट पर डी गए फॅट एसएमएस पर हमको औरंगी पेक्षा 1-2 रुपये जास्त, म्हणजे 36-80 रुपये ह्या रेंज मध्ये 36-37 रुपीज पर लिटर। हा, ओके। दिन का कलेक्शन टोटल कितना लीटर है? अपना दिन का कलेक्शन 300 लीटर है। 300 लीटर? ओके 300 लीटर है। तो अभी ये जो शेड बनाया आपने, शेड पे कितना खर्चा हुआ था? शेड हमने लॉकडाउन 2019 में बनाया था, तब इसको 1 लाख रुपए गए थे, मुझे जरा थोड़ा यहाँ खोली था मुरम पत्थर डाल के लाया है। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे आपने जगह तैयार किए, इसमें क्या कर रहे हैं आप? इस पे आप पशु खाद्य गुड़पेंड कारखाना अपना उबा कर करने वाले, फैक्ट्री खड़ा करने वाले हैं। ओके ओके ठीक है। तो दूध निकालते आप किस तरह दूध निकालते हैं? अपने पास मशीनरी है। कितनी मशीन है? दोन मशीन है, त्याला डबल बकेट। कौन सी कंपनी के है? एक वेंकटेश वेळापूर ची केपीटी। ठीक है, तो उससे पूरा दूध निकालते? हो, पूरा दूध निकालते। गाय को कुछ रोग होते है क्या? नहीं किरकोळ ही रोग छोटे छोटे होता है तो आप डॉक्टर को बोलाते? आप आज मुझे 3 वर्ष मुझे आपण करतोय, थोड़ा फार आपल्याला मुझे गोळे औषध चालले तर बरं होईल असं। तो आपको इस गाय पालन में कौन कौन साथ दे रहा है, कितने लोग काम करते हैं इस व्यवसाय में? हम घर के 4 ही लोग हैं, मेरा भाई, माँ और पिताजी। पूरे 4 लोग एक पूरा देखते बाहर का कोई नहीं काम? कोई नहीं। ओके, अच्छी बात है। हाँ, तो अभी आपका हर महीने का टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको? टोटल प्रॉफिट 2 लाख प्लस मिल रहा है। प्लस मिलता है। ओके, तो अभी स्कूल और ये काम कैसे मैनेज करते हो? स्कूल कितने बजे उठ के जाते हैं और फिर कब आते हैं? हम कॉलेज, अभी तो कॉलेज में, हम 4 बजे तो रोज उठ जाते हैं। 4 बजने के बाद 7 बजे तक यहाँ का काम हो जाता है, शेड का काम पूरा हो जाता है। मग 8 बजे अपन एक घंटे में अपना जो तैयार करके 1 घंटे में कॉलेज को जाने का, फिर 12 बजे वापस आने पर ये हुआ 1 घंटे में हम आसपास के चारा ला के आते आसपास के किसानों से। फिर मग अपन शाम तक निवांत, यानी 2-3 बजे तक चारे का काम होता है और 2:30 बजे से 4-5 बजे तक स्कूल का जो भी काम है रहता है वो पूरा कर लेते और शाम को फिर दूध निकालने का। हाँ, दूध निकालने। ठीक है, तो अभी इस व्यवसाय से आप संतुष्ट है? हो, संतुष्ट। तो क्या करना चाहेंगे आगे जाके? बड़े शहर में जाके सर्विस ढूंढेंगे या ये ही शेड पे काम करते रहेंगे, यही अच्छा है? बड़े शहर पे जाने से अच्छा तो यही है, आपले मुझे स्वतः मुझे मालक स्वतः यहाँ आपके खुद के खुद मालिक है। किसी के अंडर में नौकर नहीं रहना चाहते। अब 2 लाख में हम 4 जन मुझे 4 लोगों को पकड़े तो भी 50-50 हज़ार मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, ये है प्रथमेश बागल जी जो कि अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और ये सुबह सुबह 4 बजे उठ के शेड का काम पूरा देखते हैं और फिर 8 बजे इनके कॉलेज को जाते हैं। कॉलेज से आने के बाद 1 बजे आने के बाद वो आजू बाजू के किसानों से चारा लाते हैं, उसकी कटर मशीन से कटिंग करते हैं और फिर 2-3 घंटे तक स्कूल का जो भी होमवर्क रहता है वो करके फिर 4 बजे शुरू हो जाता है और 7 बजे तक एक काम पूरा करके फिर स्कूल का होमवर्क करते हैं, ऐसा इनका शेड्यूल है। और इनको इन 32 गायों से हर महीने 2 लाख का मुनाफा मिल रहा है। तो ये सोचते हैं कि बड़े शहर में जाके सर्विस करने से अच्छा है कि यहाँ पे हमें हमारे घर के पास हमारे खेत में ही शेड में ही काम करके 50 हज़ार हर महीने का मिल रहा है, तो यही हमारे लिए अच्छा है। और 2 लाख मिल रहे हैं तो अगर घर के 4 लोग है तो भी उनका 2 लाख का डिवाइडेशन करेंगे तो भी 50-50 हज़ार मिल रहा है, ये संतुष्ट है। तो दोस्तों, ये थी प्रथमेश बागल की स्टोरी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।